one corner. So city needs to expand और हमने horizontally expand करना पड़ेगा ज़्यादा. Though a lot of people do not agree with me, yes, horizontal. देखिए मैं आपको बताता हूँ, तो पहले तो मैं आता हूँ क्योंकि हुआ क्या करता हूँ. A lot of people talk about devolution. I'm, obviously being a Democrat, मैं devolution की बहुत ज्यादा बात करता हूँ, but then you should have some kind of accountability also, जो कि lack करती है with devolution. फिर तो हम हर एक आदमी अगर devolve आपने ultimately करने हैं तो हम मुझे इजाजत दे दें, मैं अपने घर में जो चाहे कर लूँ. कौन होता है मुझे रोकने वाला? मैं चाहे वो 2 मंजिला घर है उस पर 200 मंजिला इमारत बना दूँ, तो आप क्यों रोकते हैं मुझे? डिवॉल्व कर दिया आपने, मैं मालिक हूँ उस घर का. लेकिन ऐसे नहीं होता है. डेवोल्यूशन के साथ अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए. हमारे यहाँ हुआ है ये कि डेवोल्यूशन के बाद पहला एग्जाम्पल पता नहीं 22 आ रहे थे कितनी थी कमर्शियल कंट्री शहर की 2003 कौन थे डेवोल्यूशन के बाद. मैं रिसेंट हिस्ट्री बता, दिस इज माय ओपिनियन, लोग डिफर कर सकते हैं. आपने 22 शाहराहें कमर्शियल कर दी जहां पे 2 मंजिला मकान थे, वहां पे 20-20 मंजिला बिल्डिंग्स बन गई. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप गलती हुकूमत की है, तो उन्हें इजाजत नहीं देनी चाहिए थी. अगर मैंने अपने 1000 गज की जहां पे 2 मंजिला घर था, मैंने 20 मंजिला बिल्डिंग बनानी, तो पहले मैंने पे करना चाहिए कि मैं उस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ठीक करूँ. इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है 2 मंजिलों के लिए, जहां पे मे बी 10 लोग रहते हों, उसकी जगह पे आपने 200 लोग बिठा दिए, उसी एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया. अच्छा, ये शुरू हुआ अगेन बिकॉज ऑफ डेवोल्यूशन विदाउट चेक. पहला मसला ये हुआ. अब जो चेक करना भी चाहे, मैं आई कम टू यू, आई स्टार्टेड विद द गवर्नर, आई सेड वी आर द प्राइमरी पीसफुल रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग दिस, बट आई डोंट वॉन्ट टू टेक द ब्लेम, आई डोंट वॉन्ट टेक द अब्यूज अलोन. I also want the others to share this abuse with me who've been responsible for this. जनाब जब लोगों ने इतराज करना शुरू किया इस चीज का कि आप ना करें, इंडिविजुअल्स ने इतराज किया, तो उसमें मैंने अभी मुर्तजा मेरे एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा लॉ एडवाइजर भी है, तो जब ये कानून के बारे में कुछ पता करना होता मैं कहता हूँ जल्दी से मुझे ये चीज़ को बताओ, याद रहता है बट प्रोजेक्ट, तो मैंने कुछ चीज़ें याद की, मैंने कहा, फिर उन्होंने जल्दी से मुझे भी निकाल के दे, वी आर इन अ मीटिंग बिफोर दिस, तो उसी वक्त किया. जब लोग गए अदालतों में, तो अदालतों ने ये कि जजमेंट ऐसी बहुत सारी हैं चलेंगे कि ये कोई गया कि जी ये मेरे घर के सामने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, इसको रोके. ऐसे कई हैं, शहरी ऑर्गेनाइजेशन गई थी शुरू उधर से होता, यू ऑल्सो बैट ओके. सो दिस आई डिड नॉट गेट दैट एग्जैक्ट जजमेंट विच आई वॉन्टेड, वो नहीं मिली मुझे जजमेंट, ओके, आई डिड नॉट गेट दैट जजमेंट अनफॉर्चुनेटली. मैं वो चाह रहा था बट मुर्तजा वो मुझे भी दिला सके. तो द ऑनरेबल एंड आई डोंट वॉन्ट टेक नेम्स हियर, यू नो, वेरी वेरी रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल पीपल, एंड अगेन यू नो दे आर रिटायर्ड, सो आई वोंट बी हेल्प कंटेंट इफ आई टेक देयर नेम, बट लोग अनकॉन्शियसली कुछ काम कर जाते, बाद में उनका कॉन्शियस जागते, तो वो सब ठीक है. अगर मैं आज ये गलती कर दूं, अगर इंसान गलती का पतला होता, किसी वक्त भी मैं गलती कर सकता हूं, और कल को वो गलती पकड़ी जाए तो मुझे तो जो मेरे साथ होगा वो आपको सब अंदाजा लगा सकता है. ये कहते हैं जब ये कि इट मे बी ऑब्जर्व दैट दिस देयर इज चेन ऑफ अथॉरिटीज, देयर इज चेन ऑफ अथॉरिटीज इन द सेवरल कोर्ट ऑर्डर्स, where the superior courts have held that where the area has been commercialized by competent authority, then authority or any objector cannot press into service, then each of the plot owner of the declared area should invite objections before putting the property for commercial use. उन्हें वन स्ट्रोक ऑफ पेन से मना कर दिया कि कोई नहीं ऑब्जेक्ट कर सकता, हुकूमत ने कर दी गलती है, अब वो इजाजत है. एंड आई एम श्योर जहां पे मैं हुकूमत को ब्लेम दे रहा हूं, ये उधर भी मैनिपुलेटेड है चीजें हर जगह पे. फिर आप आ जाएं तो ये पहले शुरू हुआ 2000-2001 में अनचेक, और उसके बाद 2008 से आप यही कह सकते कि 2008 से तो आप लोग हुकूमत में हैं. आपने क्या किया? हमने यही किया ना, कोर्ट्स हर जगह पे अपनी मर्जी से जब उनकी
2013 में जब हम सिटी को हॉरिजॉन्टली डेवलप करने के लिए जगहें दे रहे थे, यू नो हमसे इंटरेस्ट हर जगह पे लोगों के होते हैं, तो कोर्ट से मना कर दी कि हुकूमत जिसका प्राइमरी काम है, आप तो कहते हैं ना प्रोमोशनलाइज करें, यू नो स्टिल अबाउट अ ईयर गो, ईयर आप गो पता नहीं कब नहीं मुतजा को याद होगा, बल्कि अभी तक यही है द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट दी ओनली एसेट दैट वी होल्ड इज द लैंड, वी कांट यूज दैट लैंड। अब हो सकता है मैंने गलती की और मुझे सजा दें, लेकिन आप पूरी हुकूमत को पैरालाइज कर दें, और उससे क्या होगा कि जब आप जमीन नहीं देंगे, अब हम बहन भाई थे, हम एक घर में रहते थे अपने पेरेंट्स के साथ, अब हम साथ बहन भाई सबके अपने अपने घर हैं, ऑब्वियसली इफ आई डोंट गेट एक्सेस टू दैट लैंड आई विल यू नो आइदर ब्राइब पीपल ऑफ टू गेट दैट लैंड और आई विल जस्ट इनक्रोच अपॉन दैट लैंड, दैट इज व्हाट हैज हैपेंड ओवर द इयर्स, वेरियस इंक्रोचमेंट्स 2008-10 के बाद जो शुरू हुई है बिकॉज द गवर्नमेंट हैज नॉट बीन अलाउड टू फंक्शन, नॉट बीन अलाउड टू प्लान। ये जो बात है प्लानिंग के ऊपर इतने हमारे कोर्ट्स की आ जाती हैं इश्यूज के लिए, आप उनकी मर्जी से प्लान करें जैसे वो चाहें। द केस पॉइंट इज द वेरी रिसेंट फेमस मसला टावर केस वेर, एंड आई हैव सेड इट ओपनली बिफोर, आई विल से इट अगेन, परहैप्स, और वो इस हुकूमत की नहीं थी गलती, सिंध हुकूमत की गलती नहीं थी, इन परहैप्स द इलीगैलिटी देयर वाज अबाउट 5%, 95% वाज प्योरली लीगल। उस पे आपने 14 मंजिला इमारत गिरवा दी, बड़ी अच्छी साइट है वो, उधर जाके देखते हैं जब जाते हैं, उधर आ बढ़ते हैं थोड़ी सी। सो अदर्स एंड इट इज अबाउट टाइम, जो आप कैसे सब कह रहे हैं ना कि आपको टैंकर पानी का मंगा लेते हैं लेकिन फिर कहते नहीं है किसी से, ये भी तो शोर मचाए, ये जो हो रहा है, लेट द पीपल हू बीन गिवन द मैंडेट टू गवर्न गवर्न एंड यू मेक देम अकाउंटेबल अंडर लॉ, बट यू कांट टेक द लॉ इन योर ओन हैंड एंड देन एक्सपेक्ट द पीपल टू वर्क, बहुत सिंपल फिर ठीक है जी। खैर ये मैं आगे शुरू में, सेकेंडली मैं इन बहुत लंबी नहीं बात करूंगा, कोशिश करूंगा शॉर्ट करूं। शुरू में बात हुई थी और ये रिसर्च आजकल ये हम फेस कर रहे हैं विद एवरी रेन देयर इज अ प्रॉब्लम, एंड अगेन दिस इज नॉट अ न्यू और रीसेंट फिनोमेना, लास्ट मेमोरी आई हैव द रेन, आई डोंट रिमेंबर 67 रेन, आई वाज टू यंग एट दैट टाइम, बट आई डू रिमेंबर द 73 या 74 की बारिशें बड़ी तेज हुई थी, और फिर मैं स्कूल जाया करता था, स्कूल डूब जाते थे, हम स्कूल से घर नहीं जा सकते थे, स्टैंडर्ड हो जाते थे, बाद में 90s की बारिशें भी मैंने सब देखा है इस शहर में, सो इट्स नथिंग न्यू। और खास तौर पे क्लाइमेट चेंज की वजह से जो अब हालात हो रहे हैं, ये काफी लोगों को पता भी होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपके पास जब से रिकॉर्डेड हिस्ट्री है बरसातों की, सबसे ज्यादा बारिश 2020 में हुई थी, जुलाई अगस्त स्पेशली महीने में सबसे ज्यादा बारिश जो हुई थी रिकॉर्डेड जो हमारे पास हिस्ट्री है वो 613 मिलीमीटर है, जो कि अगस्त 2020 में हुई थी, और ये जुलाई का महीना जो अभी 3-4 दिन बाकी है, वी आर एट 592 मिलीमीटर्स राइट नाउ, द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट प्लेस, सो यू नो दीज आर एक्सेप्शनल ईयर्स, मच lesser rains, the city was in a much worse condition. मैं ये नहीं कह रहा कि much condition, मैं please don't take, I'm not justifying anything. City was in a very bad shape, but we are not even a lot of अब लोग ये समझे कि बिल्कुल पानी कहीं नहीं आएगा बरसातों में, ये possible नहीं होता, लेकिन हमारी annual average rainfall कितनी है कराची की, मेरे ख्याल है 100-125 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं होगी एवरेज एनुअल, मुझे अंदाजा नहीं है, 125 मिलीमीटर्स, अब 125 साल की, और अगर आपको एक दिन में, अच्छा ये भी आपको बता दूं, जो हाईएस्ट डेली अभी तक हमारे पास बारिश हुई है वो 231 मिलीमीटर थी, अगेन 28th of August 2020, लेकिन इस साल बड़ी नहीं, वो असल में ये मेजर जो करते हैं वो सुबह 8 से, ऑब्वियसली जो ये महकमा मौसमियात से मिलता है वो सुबह 8 से अगले दिन सुबह 8 तक है, तो जो
एंड देन यू ऑब्वियसली हैव टू मेक सम बैंड। तो ये 231 मिलीमीटर पड़ी थी 28 अगस्त 2020 को।